इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने कहीं सुना होगा, जो लोग को डायबिटीज है उनको शायद पता हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है जिसके कारण डायबिटीज होती है। और उस केस में क्या होता है, एक्चुअली आपका जो मेन रीजन होता है वो होता है विसरल फैट जो आपके टमी में होता है, और वो आप अगर देखा जाए तो एक बादल की तरह काम करता है जो विसरल फैट है, और वो रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन वो बारिश की तरह। अगर बादल होंगे तो बारिश होंगी, तो उससे बचने के लिए हमको क्या चाहिए, छाता चाहिए। छाता यानी कि आपके जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो आप, और शरीर में एक मसल्स के सेल ही है जिसकी आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करके कसरत करके आप बढ़ा सकते हो। बाकी कोई शरीर में ऐसा कोई सेल नहीं है जिसको आप एक्सरसाइज करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सको। और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो अगर बादल ही हटा दिए जाए क्योंकि आप एक्सरसाइज करोगे, जिसमें क्या होता है कि मसल्स होते हैं नॉर्मली आपके 9% ग्लूकोज को बर्न करते रहते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपके 18% ग्लूकोज को बर्न करते दिन में डबल कर देते, जिससे आपके शरीर में जो विसरल फैट इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। और अगर बादल ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। और दूसरी अगर भाषा में कहें तो आपको शुगर और स्टार्च का इंटेक कम कर देना पड़ेगा, और वो कैसे करना है वो आप लोगों को पता ही होगा कि आपके डाइट में अगर ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, स्टार्च कहाँ से मिलता है। आप होशियार हो और आप उसको अगर आइडेंटिफाई करके डाइट में उसको इंटेक कम कर दो और साथ में एक्सरसाइज करोगे तो शायद फ्यूचर में ग्लूकोज रेजिस्टेंस से आप बचे रहोगे और डायबिटीज के शिकार नहीं हो पाओगे जल्दी।